प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है बांसुरी वाला। बहुत साल पहले की बात है, वेजर नाम की नदी के किनारे हेमलिन नाम का एक प्यारा शहर था। शहर जितना सुंदर था, वहां के लोग उतने ही दुखी। जानते हो क्यों? क्योंकि पूरे शहर में हर तरफ चूहे ही चूहे फैल गए थे। बड़े चूहे, छोटे चूहे, मोटे चूहे, पतले चूहे, काले चूहे, बच्चे चूहे और तो और बूढ़े चूहे, ये सब चूहे इतने निडर हो गए थे कि शहर की बिल्लियां भी इनसे डरती थीं और कुत्ते तो इन्हें देखकर ही भाग जाते थे। अब तो ये चूहे छोटे बच्चों को भी काटने लगे थे। घर में, बाजार में, कहीं भी अगर कोई खाना खा रहा होता तो टेबल पर चढ़कर उसके साथ बैठकर खाना खाने लगते। हर जगह इन चूहों ने अपने घर बना लिए थे। जिस शहर में पहले बच्चों और चिड़ियों की आवाजें सुनाई देती थीं, अब उस शहर में चूहों की चाची चैं सुनाई देने लगी। एक दिन इन चूहों से तंग आकर सभी लोग शहर के मेयर से मिलने गए। उन्होंने रोते हुए मेयर से कहा, मेयर साहब, इन चूहों की मनमानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आप कुछ कीजिए, नहीं तो हम आपकी जगह इस बार किसी और को मेयर चुन लेंगे। लोगों का गुस्सा देखकर मेयर को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, इस बार अगर मैंने कुछ नहीं किया तो लोग वाकई मेरी जगह किसी और को मेयर चुन लेंगे। मेयर ने फौरन अपने सलाहकारों को बुलाया और सोचने लगे कि इस मुसीबत को कैसे दूर किया जाए। पर किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि चूहे ना तो पिंजरे में आते और ना ही बिल्लियों से डरते। ये सब बातें चल ही रही थीं कि किसी ने मेयर को दरवाजे के बाहर से आवाज दी। आवाज सुनकर सब लोग बाहर पहुंचे तो देखते क्या हैं कि एक पतला, दुबला, कुछ अजीब सा दिखने वाला आदमी खड़ा है। उसकी चमकदार नीली आंखें और पीले बाल थे। उसने एक लंबा सा कोट पहना हुआ था जो आधा लाल और आधा पीला था। सर पर एक बड़ी सी टोपी भी थी जिस पर सफेद रंग का एक बड़ा सा पंख लगा हुआ था। मेरा नाम बांसुरी वाला है, उस अजीब से दिखने वाले आदमी ने कहा। मैं बहुत से राजा महाराजाओं की उनकी मुसीबत में मदद कर चुका हूं। अपनी जादुई ताकत से मैंने मक्खियों और चमगादड़ों तक से बहुत से शहरों को बचाया है। अगर आप मुझे 1000 सोने के सिक्के देंगे तो आपके शहर को भी मैं चूहों से आजाद कर दूंगा। क्या सच में? मेयर ने खुश होकर कहा। हां सच में बांसुरी वाले, हम तुमको 1000 नहीं, पूरे 2000 सोने के सिक्के देंगे। बस किसी तरह इन चूहों को हमारे शहर से निकाल दो। मेयर की बात सुनकर बांसुरी वाला मुस्कुराया। उसने अपनी बांसुरी उठाई और शहर की ओर निकल गया। सड़क पर आते ही उसने अपनी बांसुरी को बजाना शुरू किया। बांसुरी की मधुर आवाज सुनते ही एक अजीब सा शोर पूरे शहर में होने लगा, मानो भूचाल आ गया हो। छोटे चूहे, बड़े चूहे, मोटे चूहे, पतले चूहे, काले चूहे, बच्चे चूहे और तो और बूढ़े चूहे भी सभी दौड़ते हुए घरों, बाजारों और ना जाने कहां कहां से निकलकर बांसुरी वाले के पीछे चलने लगे। बांसुरी वाला बांसुरी बजाता रहा और चूहे बांसुरी की आवाज में मगन होकर बांसुरी वाले के पीछे चलते चले गए। तभी बांसुरी वाला शहर की नदी के पास पहुंचा। चूहे भी उसके पीछे पीछे नदी में जाने लगे और नदी के पानी में डूब कर शहर से दूर निकल गए। अब शहर चूहों से बिल्कुल खाली था। शहर में फिर से चिड़ियों की और बच्चों की मीठी आवाजें गूंजने लगी। सभी लोग बहुत खुश थे। आपका काम मैंने पूरा कर दिया मेयर साहब, अब मेरे सोने के सिक्के मुझे दे दीजिए, बांसुरी वाले ने मेयर से कहा। मेयर एक कंजूस आदमी था। उसे लगा, थोड़ी देर बांसुरी बजाने के इस अजीब से आदमी को मुझे इतने सारे सोने के सिक्के देने पड़ेंगे, कुछ सोचता हूं। मेयर ने बांसुरी वाले से कहा,
देखो भैया, 2000 तो कुछ ज्यादा हैं। ऐसा करो, 500 सोने के सिक्के ले लो, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। मेयर ने सोचा, चूहे तो अब आने से रहे, इतने सारे पैसे देने का क्या फायदा। मेयर की बात सुनकर बांसुरी वाले ने मेयर से कहा, मैं यहां मोल भाव करने नहीं आया हूं। आप सोने के सिक्के देने का अपना वादा पूरा कीजिए, मैं 2000 से एक भी सिक्का कम नहीं लूंगा। पर मेयर बांसुरी वाले की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो बांसुरी वाले ने कहा, ठीक है, आपको मुझे सोने के सिक्के नहीं देने, मत दीजिए, लेकिन आप अपनी इस बात के लिए बहुत पछताएंगे। मेयर ने बांसुरी वाले की बात को अनसुना कर दिया। उसे लगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा। बांसुरी वाले ने अपनी बांसुरी उठाई और फिर एक बार सड़क पर निकल गया। इस बार उसने अपनी बांसुरी से ऐसी धुन बजाई कि शहर के सभी बच्चे अपने अपने घरों से निकलकर नाचते गाते बांसुरी वाले के पीछे चलने लगे। बांसुरी वाला सभी बच्चों को लेकर एक गुफा में चला गया और जैसे ही सारे बच्चे गुफा के अंदर गए, बांसुरी वाले ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। बच्चों को यूं बांसुरी वाले के पीछे जाते देख पूरे शहर के लोग डर गए। उन्होंने मेयर से कहा, बांसुरी वाले से हमारे बच्चों को लेकर आइए, आपने जो भी वादा बांसुरी वाले के साथ किया है उसे पूरा कीजिए, क्योंकि आपने अपना वादा तोड़ा, इसलिए बांसुरी वाला हमारे बच्चों को लेकर चला गया। अब मेयर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा, बांसुरी वाले को उसके सोने के सिक्के ना देकर मैंने बहुत गलत काम किया है। मेयर ने फिर बांसुरी वाले को बुलाया, उसको उसके 2000 सोने के सिक्के दिए। अपने सिक्के लेकर बांसुरी वाला खुश हो गया और उसने सभी बच्चों को उनके घर जाने के लिए गुफा से वापस भेज दिया। जाते जाते बांसुरी वाला शहर के सभी लोगों को ये याद करवा गया, अगर किसी से वादा करो तो उसे जरूर पूरा करो, क्योंकि वादा तोड़ना अच्छी बात नहीं है। अच्छा तो बच्चों, अब हम कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।